दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय भूषण ज्वेलर्स सोलन। छावनी परिषद सुबाथू में दो परिवारों को बिना नोटिस जारी किए पेयजल कनेक्शन काटने के बाद छावनी परिषद की कार्यप्रणाली पर उपाध्यक्ष अनिल गुप्ता ने सवाल खड़ा कर दिया है। उपाध्यक्ष अनिल गुप्ता ने सोमवार को पीड़ित परिवार के घर जाकर उनकी समस्याओं को सुना। इस दौरान उन्होंने कहा है कि हैरत है कि छावनी परिषद ने दो परिवारों की स्थिति को जाने बिना ही उन्हें मूलभूत सुविधाओं से वंचित कर दिया है। उधर पेयजल कनेक्शन काटे जाने के बाद समस्या झेल रहे अशोक कुमार का कहना है कि वह पिछले 20 वर्षों से कश्मीरी मोहल्ले में किराए पर रहते हैं और पानी का बिल भी जमा करवाते रहते हैं। परिषद ने बिना किसी सूचना के उनका पानी का कनेक्शन काट दिया है। आज मुझे श्री अशोक कुमार जी ने बताया कि हमारा पानी का कनेक्शन कैंटोनमेंट बोर्ड ने काट दिया। मुझे बड़ा दुख हुआ और मैं मौके पर आकर मैंने जब उन्होंने देखा कि पानी का कनेक्शन कटा हुआ था, वे रोने लगे कि हमारा किस कारण से ये पानी का कनेक्शन काटा गया है। मैंने छावनी परिषद से भी पूछा कि ये कनेक्शन क्यों काटा गया। उन्होंने कहा है कि ये जो ये यहाँ पर रह रहे हैं, ये मकान रामदेवी के नाम है, रामदेवी जो मर चुकी है, इसलिए हम इनका कनेक्शन काट रहे हैं। इनको बिना सूचित बिना बताए पानी का कनेक्शन करना काटना बहुत गलत है, दुर्भाग्य के लिए। कोर्ट में भी अगर ये जाते हैं तो कोर्ट भी इसके लिए पानी का कनेक्शन को मूलभूत सुविधाओं से वंचित नहीं कर सकता है, अवश्य मिलनी चाहिए। आज जब ये छावनी में मैंने बात करी तो छावनी में जाकर इनको बुलाया गया कि कहा कि नया कनेक्शन लो। नया कनेक्शन क्यों ले ये? जब इनका ऑलरेडी ये कनेक्शन चल रहा था, 20 सालों से ये यहाँ पर रह रहे हैं और इन्हें बड़ी दिक्कतों का सामना कर रहा है। इनकी जो वाइफ है वो बीमार रहती है और जो यहाँ पर और भी रहते थे आदमी, वो किसी कारणवश बाहर गए हुए हैं। उनको जब बताया गया तो उन्होंने भी कहा कि अगर ऐसा छावनी परिषद ने किया है तो बहुत गलत करा है। हमारा ये पानी का कनेक्शन काट दिया गया है, यहाँ हम 20 साल से यहाँ रह रहे हैं। पहले भी जब हम आए थे ये कनेक्शन हमारे साथ था। परेशान हो रही है हमारे को पानी के लिए, उसे भरना पड़ रहा है पानी का बिल भी हम दे रहे हैं। नहीं कुछ नोटिस मैसेज कुछ नहीं दिया, हमारे को पता ही नहीं लगा कब काटा वाले। अब बोलते नया कर दिव्य हिमाचल टीवी के लिए सुबाथू से कपिल गुप्ता की रिपोर्ट। पारंपरिक व आधुनिक आभूषणों को लेकर प्रदेश में ब्रांड बन चुका भूषण ज्वेलर्स सोलन अपने ग्राहकों के लिए विस्तृत रेंज उपलब्ध करवा रहा है। भूषण समूह लगातार 50 वर्षों से विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहा है और मात्र 5 वर्षों में ही आभूषणों की दुनिया में अपनी पहचान कायम कर चुका यह शोरूम अपने बेहतरीन डिजाइन के लिए ग्राहकों की पहली पसंद बन गया है। आभूषण चाहे सोने के हों या फिर हीरे व चांदी के, इनके डिजाइन का कोई सानी नहीं है। वैरायटी, विश्वसनीयता और ग्राहकों की उम्मीदों पर खरा उतरने का संकल्प लिए यह ब्रांड निरंतर सफलता के नए आयाम स्थापित कर रहा है। भूषण ज्वेलर्स के एमडी विनय गुप्ता का कहना है कि न्यू वैरायटी, न्यूनतम मेकिंग चार्जेस, देरों उपहार व शोरूम में अपनेपन का एहसास हमें अन्य ब्रांड से जुदा करता है। इसी वजह से आज हम ग्राहकों के दिलों पर राज कर रहे हैं। तो अगर आप भी आभूषण खरीदना चाहते हैं तो चले आइए आज ही भूषण ज्वेलर्स सोलन।